हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एसआई प्री मॉक टेस्ट का सेट नंबर 3। अगर आपने इसे पहले के बाकी के दो सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के सेट्स को देख सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स हम लोग रोज़ाना 50 एमसीक्यू देखते हैं, बिल्कुल बीपीएससी के पैटर्न पर सारे क्वेश्चन को अरेंज किया जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और बताइए कि आप 50 में से कितना स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कल का होमवर्क आपका क्या रहने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, 13 अप्रैल के दिन मैं आपको दे रहा हूँ फिजिक्स में चुंबकत्व और चुंबकीय पदार्थ, ये दो टॉपिक्स को पढ़ेंगे। लूसेंट सब्जेक्टिव पेज नंबर 208 में देखने को मिलेगा। टॉपिक्स वाइज में क्या दे रहे हैं, सिख गुरु और उनके कार्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सिखों के 10 जो गुरु हैं उनको आप पढ़ेंगे और साथ ही साथ उनके क्या क्या कार्य रहे वो भी आप पढ़ लीजिएगा। करंट अफेयर्स में नवंबर 2020 को एक बार फिर से रिविज़न करेंगे। ठीक है, तो यही रहने वाला कल का होमवर्क, चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है। भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा यूनानी, शक, कुषाण, यानी राइट आंसर ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन से कि चार धातुएं सोना चांदी तांबा और सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था। इस सिक्के को कासापर्ण कहते थे, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। थर्ड क्वेश्चन की पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य के मंदिर के निर्माता कौन थे। पुरी में जो स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य देवता का मंदिर है, इसके निर्माता कौन थे। इसके निर्माता के रूप में हम लोग नरसी प्रथम को जानते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न की महाभारत का भारत वेड़वा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया था। भारत वेड़वा नाम से तमिल में अनुवाद किसने किया था महाभारत का, तो यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, पेरुन देवनार, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी, तो सही आंसर क्या होगा, कनौज, या फिर इसी को बिलग्राम के युद्ध के नाम से जानते हैं, जो कि 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ था, जिसमें शेरशाह विजयी रहा। ठीक है, और इनसे पहले जो कि चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में, और इसमें भी जो कि हुमायूं की हार हुई थी, लेकिन एक वर्ष के पश्चात पुनः हुमायूं लड़ा था और इसमें हारने के पश्चात वह भाग गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटी थी। ब्लैक होल की दुर्घटना आपको पता है क्या है, और इस ये जो घटना घटी थी सिराजुद्दौला के समय हुआ था, 20 जून 1756 में कोलकाता में ब्लैक होल की घटना घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे। वॉरेन हेस्टिंग्स जो था वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो किस अधिनियम के तहत बनाया गया था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए, 1773 का, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। नेक्स्ट प्रश्न की निम्नलिखित प्रकार के कांच में से एक परावैगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है, और वो कांच कौन सा है जो कि परावैगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है, क्रुक्स कांच, यहाँ पे डी को टिक करेंगे, क्रुक्स कांच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन की एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आदर्श वोल्टमीटर की बात करें तो हम कह सकते हैं असीमित, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर यहीं पे आदर्श आमीटर पूछा जाता तो शून्य हम यहाँ पे टिक करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली सभी धारा मिलने पर धाराओं का बीजगणितीय जो योग होता है, बीजीय योग होता है, कितना होता है। किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा शून्य होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है, यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी। न्यूमेरिकल है, आई होप कि आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, काफ़ी ईजी भी है। अगर आपको ओम का लाभ पता हो, ओम के जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, भी बराबर आई आर होता है। ठीक है, भी बराबर आई आर, बस इसी फॉर्मूले के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए वी यहाँ पे कितना दिया गया, 110 वोल्ट, और आई के हमें याद करना है धारा, आई रखते हैं, जो ओम है वो क्या है, प्रतिरोध का मात्रक होता है, यानी कि ये हमारा प्रतिरोध है 440 वोल्ट, 440 ओम है।
10 से 10 खत्म यानी कि 11/44, तो कहने का मतलब 1/4, और 1/4 का मतलब 0.25 एम्पियर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। ध्यान रखेंगे जो विद्युत धारा होता है इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर में होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 0.25 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। जस्ट अभी हम लोगों ने देखा कि ओम के नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि भी जो होता है वो आई के समानुपाती होता है, ठीक है, यानी कि भी और आई, वोल्ट और धारा, यहाँ पे दोनों करेक्ट होगा, धारा और वोल्टता दोनों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे, वेलेंटाइन सिरोल, डी को टिक करेंगे। कुछ पॉइंट्स भी मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, पढ़ सकते हैं कि इंडियन अनरेस्ट के लेखक वेलेंटाइन सिरोल थे, इन्होंने ही बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति के जन्मदाता, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि भारत में अशांति के जन्मदाता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है, और इन्होंने ही कहा था वेलेंटाइन सिरोल ने, जिसे क्या कि तिलक जी ने इन पर मानहानि का भी दावा किया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट वन है कि सूची वन को सूची दो के साथ सुमेलित करना है, एक तरफ समाचार पत्र है दूसरा संपादक है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आने वाले एग्जाम्स में प्री हो या फिर मेंस हो, दोनों एग्जाम्स में पूछे जाते हैं समाचार पत्र और उसके संपादक, तो आपको इस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। चलिए हम एक एक करके यहाँ पे देखते हैं कि क्या होगा करेक्ट आंसर। हिंदू अगर हम यहाँ पे समाचार पत्र देखें तो जी सुब्रमण्यम अय्यर होगा, ए का तीन के साथ, ए का तीन के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। लेकिन हमें अलग अलग करके याद भी रखना है। देखिए सुधारक की बात करें तो सुधारक समाचार पत्र गोपाल गणेश अगरकर हम यहाँ पे याद रख सकते हैं। उसी तरह से वॉइस ऑफ इंडिया की बात करें तो ये दादा भाई नौरोजी के साथ यहाँ पे मैच होगा, और बंगाली जो पत्रिका थी समाचार पत्र ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ यहाँ पे मैच होगा, तो इन सभी को आप याद भी रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ध्यान दीजिएगा किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें उपनिवेशिक काल में सर्वप्रथम भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1784 में कोलकाता में जो कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, तो यहाँ पे हम करेक्ट आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर, यानी कि सर्वाधिक भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था का नाम क्या था, कौन सी व्यवस्था अपनाई गई थी सर्वाधिक भूमि पर, तो राइट आंसर यहाँ पे होगा रैयतवाड़ी व्यवस्था, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था करेक्ट होगा। और साथ ही साथ इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में सर्वप्रथम लागू की गई थी। थॉमस मुंडो 1820 ईस्वी से 1827 ईस्वी के बीच मद्रास का गवर्नर रहा, और रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रारंभिक प्रयोग के बाद मुंडो ने 1820 ईस्वी में संपूर्ण मद्रास में इसको लागू कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। सही यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आपको बताना है कि यहाँ पे कथन सही कौन सा है, सही कथन कौन सा है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट्स कह रहा है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले चंपारण में प्रस्तुत की थी, जो कि बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली भारत की बात की जा रही है, भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह की स्टार्टिंग जो कि चंपारण में की गई थी, ठीक है ना। गांधी जी के द्वारा शुरू की गई चंपारण सत्याग्रह एक देशव्यापी सत्याग्रह था, क्या ये सही है। जी ने फिर ये पॉइंट गलत है, क्योंकि जो चंपारण सत्याग्रह था वो देशव्यापी नहीं, सिर्फ और सिर्फ बिहार में स्टार्ट किया गया था, यानी कि एक राज्यव्यापी था, देशव्यापी तो कह नहीं सकते, इसलिए ये पॉइंट गलत है। तो हमें अगर सही बताना था तो केवल और केवल एक को टिक करेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोपा कप किस खेल से संबंधित है। मैंने आपको कल होमवर्क में दिया था कि ट्रॉफी और खेल से संबंधित जो भी ट्रॉफी है उनको आप याद रखिएगा, तो किस खेल से संबंधित है। आई होप कि आपने कुछ ना कुछ ट्रॉफीज तो जरूर पढ़ा होगा। अच्छा एक कमेंट्स करके बताइएगा कि जो टॉपिक वाइज मैं सीरीज दे रहा हूँ आपको, मतलब कि अलग अलग टॉपिक्स आज मैंने दिया था, जो टॉपिक मैंने यहाँ दिया है उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर आप अलग से एक वीडियो देखना चाहेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे कप दिया तो कप से संबंधित एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया जाए, ताकि आपका रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाए, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो आपके पास नॉलेज हो जाए। तो अगर आप इस सीरीज को देखना चाहेंगे तो कमेंट्स करके बताइएगा क्या हम इस सीरीज को स्टार्ट करें, ठीक है, यानी कि अलग अलग टॉपिक्स को एक अलग प्लेलिस्ट में बना करके रखेंगे एग्जाम्स के टाइम पर आप, ताकि रिवीजन भी कर सको, जैसा आपकी मर्जी आप कमेंट्स कीजिएगा। कोपा कप किस खेल से संबंधित है, तो कोपा कप का संबंध फुटबॉल से है, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न बनता है कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है।
फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक किया करो। आप लोग वीडियो को लाइक बिना क्लिक किए चले जाते हो, बिल्कुल गलत बात है यार। प्लीज़ लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए, डेविस कप का संबंध किससे है? लॉन टेनिस है। यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, की संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन डी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन, की वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचन संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करे? तो यहाँ पे करेक्ट है क्रिप्स योजना, ए करेक्ट होगा। पर्यावरण किससे बनता है? बताइए कि पर्यावरण जो है वो किससे बनता है? तो पर्यावरण हम कह सकते हैं कि जैविक घटकों से, भू आकृति घटकों से और अजैविक घटकों से, तीनों से बनता है। तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन डी, राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, की धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय? धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो करेक्ट आंसर है प्राकृतिक संसाधन। अगला क्वेश्चन, की सतत विकास के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? सतत विकास के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो ध्यान दीजिएगा, सतत विकास के लिए कह सकते हैं जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण और निर्धनता को घटाना, यानी कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सभी चीज़ों की आवश्यकता है। मार्च 2021 में शहीद अशफाकुल्ला खान चिड़ियाघर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? इसकी घोषणा 2020 में ही की गई थी कि इसका उद्घाटन किया जाएगा, और फाइनली 2021 में इसका उद्घाटन किया गया कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, करेक्ट होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, की किस संघ में जीवों के संयुक्त यानी कि खंडों में जुड़े पैर होते हैं? जीवों के संयुक्त पैर होते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या है कि खंडों में जुड़े यानी कि संयुक्त पैर होते हैं, तो संधिपाद, संधिपाद जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑर्थोपोडा के नाम से जानते हैं, डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि आर्द्र भूमि पर रामसर संधि भारत में किस वर्ष लागू हुई थी? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे भारत में किस वर्ष लागू की गई थी ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन यहाँ पे ए को टिक करेंगे, 1982। ठीक है, 1982 करेक्ट होगा। ठीक है, हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि रामसर कन्वेंशन वर्ष 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया था और वर्ष 1975 में लागू किया गया था। ठीक है, भारत ने 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया था, यानी कि भारत में 1 फरवरी 1982 से लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, की भीमताल झील कहाँ पर स्थित है? बताइए भीमताल झील कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड, भीमताल झील उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, किसके शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय अस्तित्व में आया था? और मैंने आपको कल के वीडियो में ही बताया था कि जो बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडनवल में हुआ था, और उस वक्त कनिष्क के समय में ही बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजन हुआ, हीनयान और महायान। तो करेक्ट आंसर क्या? कनिष्क, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से किसने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था? हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर? पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय यहाँ पे करेक्ट आंसर है। परमेश्वर की उपाधि इसने धारण की थी हर्षवर्धन को हराने के पश्चात। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, किस आर्टिकल में ये बात कही गई है? तो इसका सीधा संबंध होगा अनुच्छेद 75 से, सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कि नौपाषाण स्थल कुचाई और गोलबाई शासन कह सकते हैं भारत के किस राज्य में स्थित है? कुचाई और गोलबाई, एक्चुअली यहाँ पे शासन या स्थान होना चाहिए, ठीक है, स्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये करेक्ट है उड़ीसा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, उड़ीसा। बाणसागर परियोजना किस नदी पर बनाया गया? बाणसागर परियोजना किस नदी पर? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा होगा बाणसागर परियोजना सोन नदी पर बनाया गया, डी करेक्ट है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित क्षेत्र को क्या कहते हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो स्थित क्षेत्र है उसको हम लोग क्या कहते हैं?
आपको पता होगा कर्क रेखा और मकर रेखा क्या है। देखिए विषुवत रेखा 0 डिग्री और 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और उसी तरह से 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। यानी कि इसके बीच का जो ये आप क्षेत्र देख रहे हैं इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन कि गारो खासी रेंज भारत के किस राज्य में स्थित है। गारो खासी रेंज भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मेघालय। ठीक है, मेघालय यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। अगर आज के इस वीडियो में आपने 43 मार्क्स से कम स्कोर किया तो मान के चलिए कि आपको और प्रिपरेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी 43 मार्क्स सेफ स्कोर है, इससे कम अगर करते हैं तो आपको और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जीवों में खुले परिसंचरण तंत्र होता है और वो है मोलास्का। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन की घुमोत को किस राज्य का हेरिटेज संगीत वाद्य यंत्र घोषित किया गया था। घुमोत को किस राज्य का हेरिटेज संगीत वाद्य यंत्र घोषित किया गया था, तो घुमोत गोवा। राइट आंसर होगा गोवा। नेक्स्ट देखिए कि भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक किस राज्य का है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग उच्चतम जो है वो किस राज्य का है, तो केरल यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि निम्न में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक गिरावट आई। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जो गिरावट आई थी वो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हम कह सकते हैं मेघालय। अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस मेघालय करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री को काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, उसमें 22 वीडियो बनाए गए हैं, पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को कवर किया गया अलग अलग टॉपिक वाइज, जाकर के देख सकते हैं स्टार्टिंग से। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है मुख्य तत्कालिक कारण इसका था क्या, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। यानी कि सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां एडिशन 8 फरवरी को किस राज्य में आयोजित किया गया था। जो युद्ध अभ्यास होता है भारत और अमेरिका के बीच होता है, कहाँ पर आयोजन किया गया था, राजस्थान में। डी करेक्ट आंसर है राजस्थान। जम्मू कश्मीर की आयशा अजीज कितने वर्ष की उम्र में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं। आयशा अजीज, तो ऐसा अजीज जो है वो 25 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र की पायलट बन गई है, महिला पायलट। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को लॉन्च किया गया पंजाब की सरकार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर बापू द अनफॉर्गेटेबल शीर्षक से कॉफी टेबल बुक लॉन्च किया। और ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। बापू द अनफॉर्गेटेबल शीर्षक से कॉफी टेबल बुक लॉन्च किया गया किसके द्वारा, मनीष सिसोदिया जी के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे भारतीय दूरसंचार नियामक यानी कि ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया। ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया किसे। पीडी बघेला। डी करेक्ट होगा, पीडी बघेला। नेक्स्ट वन देखिए कि नारियल में निम्न में से कौन सा भाग खाने योग्य होता है। नारियल में निम्न में से कौन सा भाग खाने योग्य होता है। अंतर्बीज। ठीक है, अंतर्बीज यानी कि जिसको हम लोग इंग्लिश में इंडोस्पर्म कहते हैं, इसलिए यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी। भारतीय मानक समय की यमयोत्तर नहीं गुजरती है। बताइए आपको पता है फ्रेंड्स कि भारत से जो गुजरता है यमयोत्तर मानक समय स्टैंडर्ड जो टाइम है वो कि 82 डिग्री पूर्वी देशांतर आपको पता होगा। तो ये क्या है, कहाँ से होकर के गुजरता है, इलाहाबाद के नैनी के समीप से होकर के गुजरता है और ये फिर कुल 5 राज्यों से होकर के गुजरता है और उस 5 राज्यों को मैंने आपको याद कराया था यू कॉमा करके याद कराया था, यानी कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे महाराष्ट्र नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे जो कि गलत है। तो इन 5 राज्यों के नामों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो भारत का जब जो लास्ट का सबसे पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है, वो कहाँ पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट पड़ता है बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार में, यानी कि सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो तीन पॉइंट्स दिए गए, 1, 2, 3 को पढ़ेंगे और बताएंगे कि उपयुक्त कथनों में से कौन सही है। बताइए, अच्छे से पढ़िए और बताइए कि कौन सही है। चलिए हम यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। देखिए, असम जो है वो भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। अच्छे से ध्यान में रखिएगा, इनके नामों को मैंने आपको अलग से ट्रिक भी बनाया, आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हैं। पड़ोसी देशों से लगे जो भारतीय राज्यों के नाम है उनको आप ट्रिक से याद कर सकते हो, हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की, पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, ये भी सही है। मिजोरम जो है वो बांग्लादेश के साथ साथ म्यांमार की सीमाओं से भी लगा हुआ है, यानी कि तीनों के तीनों पॉइंट्स यहाँ पे सही है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1, 2, 3। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लॉर्ड कर्नवालिस ने स्थाई बंदोबस्त की पद्धति 1793 में लागू की थी, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है कि इस पद्धति के अंतर्गत भू राजस्व का 10% कंपनी को देना था। अब बताइए कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, क्या सही होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है कि लॉर्ड कर्नवालिस ने स्थाई बंदोबस्त 1793 में लागू किया था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सेकेंड पॉइंट गलत है कि भू राजस्व का 10% जो कंपनी को देना नहीं, 90% कंपनी को देना अनिवार्य किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, केवल और केवल एक सही है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। तो 50 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया। जल्दी से कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आउट ऑफ 50 से आपकी स्कोरिंग क्या रही, क्या आप आज के कट ऑफ को क्लियर कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ क्यूज का क्वेश्चन ये रहा कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में नेपाल युद्ध का अंतिम जो कि संगौली की संधि के तहत हुआ, ये कब हुआ था, कमेंट्स करके जरूर बताएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। रोजाना इसी तरह की मॉक टेस्ट के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ध्यान से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं ज्वाइन है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।